गुड मॉर्निंग <laughs> कैसे हो आप सब बढ़िया और आप सब की जिंदगी चल रही है मस्त चल रही है परसों होली है भाई परसों होली पूजन है तो होली पूजन आखिर क्यों मनाते हैं मतलब किसी को अगर आइडिया हो इनको माइक जो है एक बार दें भाई होली आप बनाते मतलब होली क्यों मनाते हैं हाँ जी सर वो जो वो मतलब कि जो, जो होलिका का भाई था उसका नाम नहीं पता नाम था उसका? हाँ, हाँ, हुरिने तो हुरिने वो उनकी बहन थी ना वो प्रलाद को मारना चाहते थे और वो मरी नहीं पा रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनको होलिका वो होलिका आग में जलती नहीं थी तो उसकी गोद में बिठा दिया वो होलिका तो जल गई लेकिन वो बच गया क्योंकि वो नारायण का बहुत बड़ा भक्त था इस वजह से तो वो होलिका जल गई शायद उसी की याद में या कुछ ऐसे में ये भी इन मेमोरी ऑफ फरत का एक रीज़न था रीज़न ये था कि हिरण कश्यप चाहते थे कि उनके राज में सब कोई उनको पूजे भगवान का कोई नाम ना ले पर उनका जो बेटे थे प्रहलाद वो नारायण पे बिलीव रखते थे बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे वो हर टाइम नारायण का नाम जपते रहते थे पर ऐसा हिरण्य कश्यप को पसंद नहीं था उन्होंने बहुत बार मतलब मना करा कि ऐसे क्यों करते हो तो प्रहलाद का मानना था कि मेरे लिए सिर्फ एक ही भगवान है और वो है मेरे नारायण ठीक है तो हुआ ये कि होलिका और हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिशें की कि वो प्रहलाद को समझा सके पर प्रहलाद नहीं समझे तो उन्होंने कहा कि उसको फिर उसको हम खत्म कर देंगे यही एक उपाय हो सकता है तो उन्होंने बहुत ट्राई किया बट ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया मतलब जब भी वो कोशिश करते थे तो उनका मतलब कामयाब नहीं होता था उनका प्लान तो इसीलिए होलिका को वरदान मिला होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जल सकती तो होलिका ने ये बताया ये बोला अब हिरण्य कश्यप को कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और आप आग लगा देना साइड से तो मैं तो जलूंगी नहीं जल जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब होलिका के साथ बैठे तो वो नारायण का जाप करते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ पर होलिका जल गई अच्छा। तो इसीलिए होली मनाई जाती है ताकि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको खत्म कर सके ठीक मतलब, है होलिका पूजन हम क्यों मनाते हैं हाँ जी कुछ कहना चाह रही हैं पंजाब में हार्वेस्ट की शुरुआत होती है इस वो लोडी होती है <laughs> हाँ वो बिल्कुल हो हो गया जल रही हैं हैं फायर हो रहा है बिल्कुल सेम साथ तो कह रहे होली पंजाब में भी लोड़ी होली लोड़ी बिल्कुल सेम लास्ट में आए से कंप्लीट हो रहा है सीक्वेंस सीरीज मैच हो रहा है तो वो हाँ, तो दैट वाज लोडी राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग होली ठीक है ठीक है तो, तो, तो चलो थोड़ा सा अगर समझें आ, बहुत इम्पॉटेंट फेस्टिवल है बहुत एक्स्ट्रा इम्पॉटेंट फेस्टिवल जो है हमारा जो है आता है और अगर इसको समझें हमारे मतलब इंडिया में दो फेस्टिवल दो फेस्टिवल सबसे ग्रैंड स्केल पर जो है फेस्टिवल तो बहुत सारे हैं दो फेस्टिवल हमारे ग्रैंड स्केल पर मनाते हैं कौन कौन से होली और दिवाली तो भाई दो फेस्टिवल बहुत ग्रैंड स्केल पर मनाया जाता है होली और दिवाली और पर्पज़ जो है वो शायद एक ये है कि साल में दो बार कुछ चीज़ों का स्मरण जो है आप करना कुछ चीज़ें ना आप इसको लेसन्स आप जो है शायद समझ पाना और दोनों ही फेस्टिवल अगर आप यहाँ से देखें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है दोनों फेस्टिवल बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जो है आ रहे हैं एक है दिवाली और एक है होली और दोनों में चेक करें कॉन फादर एंड सन दोनों में फादर एंड सन जो है इन्वॉल्व हैं दिवाली पर सूरी कहाँ थी भाई दशरथ थे उनके पुत्र थे राम और दशरथ ने क्या किया भगवान राम को कहा वनवास जो है जाना है और भगवान राम जो है अपने पिता की आज्ञा अपने पिता की आज्ञा विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क वो जो है पूरी जो है कर रहे हैं दशरथ ने कहा आपको चौदह साल के लिए वनवास में जाना है और भगवान राम ने कहा ठीक है फादर ने कहा है तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा तो वहाँ पर एक ऐसे पुत्र हैं जो अपने पिता की सारी बात मान रहे हैं जायज़ ना जायज़ सही गलत बिल्कुल उन्हें छोड़ दिया पिता ने अगर कहा है तो जाना है चाहे वो सही कह रहे हों गलत जो है कह रहे हों कॉन्ट्रास्ट होली में हिरण कश्यपु और प्रहलाद फिर कश्यपु अपने बेटे को भी कुछ कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है ये काम नहीं करना आपको नारायण को नहीं पूजना है आपको मुझे जो है पूजना है और यहाँ पर एक पुत्र है जो अपने पिता की बिल्कुल भी जो है नहीं सुन रहे हैं। कितना कॉन्ट्रास्ट है एक पुत्र अपने पिता की बिल्कुल सुन रहे हैं वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर होली की बात करें यहाँ पर एक पुत्र है जो अपने पिता के अगेंस्ट खड़ा है और हम उसको भी जो है सेलिब्रेट जो है कर रहे हैं और तभी शायद जो मैसेज है भी हमें जो है ना दोनों में जो मैसेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और तभी शायद फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं हमारे लिए शायद ये दो फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस दिन आप इस बात को जो है ज़रूर समझना इस दिन आपको ये बात जो है ज़रूर समझें जब दिवाली बनाएं तो दिवाली में क्या पर्पज़ था दिवाली का वो जो है समझना है और होली जब बनाएं तो होली का क्या पर्पज़ है उसको जो है बहुत अच्छे से जो है समझना है क्या होता है कई बार हमें स्कूल में या वैसे ही बताया है बड़ों का आदर जो है करना चाहिए भाई माता पिता की बात जो है माननी चाहिए और कई बार जो है हम माता पिता की बात जो है मानते हैं पर यहाँ पर जो है हमारी संस्कृति या हमारे जो पूर्वज हैं दो फेस्टिवल का ये तो मनाने हैं कौन से पिता की बात माननी है और कौन से पिता के अगेंस्ट खड़ा होना है ये भी शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी जो है हो जाता है और दोनों में ही आपकी जो है जय जयकार जो है होनी है और दोनों में इम्पॉर्टेंट क्या है पिता इम्पॉर्टेंट नहीं है धर्म इम्पॉर्टेंट है दोनों में आपका धर्म क्या कहता है वो शायद सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है राजा दशरथ धार्मिक थे राजा दशरथ बहुत अच्छे रूलर थे और वही बात है राजा राम जो हैं वो भी बहुत अच्छे जो है उनके बेटे जो है रहे संस्कारी जो है रहे और बात वही थी कि अब जाने अनजाने में पूरी स्टोरी पता है कि राजा दशरथ ने केके माँ को जो है कुछ वरदान दिए और मे बी के के माँ इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर मंथरा उन्होंने जो है वो वरदान मांग लिए और कहा भाई आपको राजा राम को जो है अपने पुत्र राम को जो है वनवास भेजना जो है पड़ेगा अब देखो इस समय था तो गलत पूरी प्रजा जो है कह रही है कि ये गलत आपके हुआ हम जस्टिस के लिए आपके साथ जो है खड़े हो जाएंगे पर पुत्र का धर्म क्या है पुत्र का धर्म है पिता की बात का अनुसरण जो है करना है। एक तरफ आपको चाहिए जस्टिस आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ दिस होल किंगडम और एक तरफ है पिता की आज्ञा माननी है या पिता की आज्ञा को जो अलग कर दें पिता को छोड़कर राज्य संभालना है या पिता की आज्ञा पिता का मान सम्मान जो है वो जो है संभालना है और वहाँ पर एक आइडियल सन जो है उन्होंने कहा नहीं मेरे को राज्य से ज़्यादा मेरे को इस प्रॉपर्टी से ज़्यादा मुझे अपने पिता की डिग्निटी जो है ना वो मेरे को सारी चाहिए कल को ऐसा ना हो कि दुनिया कहे कि बताओ राज्य के चक्कर में पुत्र ने पिता की बात जो है नहीं मानी तो वही हाइएस्ट स्टैंडर्ड भी कल को अगर प्रॉपर्टी है और आजकल आप देखिए प्रॉपर्टी को कितने डिस्प्यूट्स होते हैं भाइयों में डिस्प्यूट्स हैं आ, बाप बेटे में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इतने सारे डिस्प्यूट जो है हो जाते हैं वहां पर वही था कि भाई धर्म क्या कहता है धर्म यही कहता है कि पिता की बात जो है माननी चाहिए और वही शायद आपको सिखा भी जाते हैं आपके माता पिता हमेशा आपकी अच्छी बात जो है करते हैं तो कल को अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए उस समय आपको उनकी बात जो है मान लेनी जो है चाहिए उनकी बात जो है माननी चाहिए कि वो आपकी हमेशा अच्छाई ही ही सोचते हैं और कल को अगर उनसे कुछ गलती हो भी गई तो उस समय आपकी भी एक ड्यूटी है कि भाई अब ऐसा नहीं कि जब आपके साथ सब कुछ अच्छा था तब तो मेरे पापा मेरी मम्मी सब है और जिस दिन गलत हुआ उस दिन मतलब आप कौन और उस दिन तो आपने कहा मुझे तो प्रॉपर्टी चाहिए तो उन्होंने कहा भाई ये देखो ये संस्कार नहीं है ये धर्म नहीं है पुत्र का धर्म होता है कि भाई अपने माता पिता की सेवा करें और पुत्र का धर्म होता है कि भाई उनकी आज्ञा को जो है अनुसरण जो है करें इसके विपरीत इसके विपरीत हृण कश्यपु की बात करें वो भी पिता थे पर वो कौन थे अधर्म में एक तरफ धर्म के रास्ते पर राजा दशरथ चल रहे थे तो हमने कहा पुत्र को भी धर्म के रास्ते पर जो है चलना चाहिए और उसके विपरीत जब हृण कश्यप की बात कर रहे हैं वो अधर्म पर है अधर्म का मतलब भाई गलत हैं लोभी हैं लालची हैं अहंकारी हैं दुराचारी हैं सबके साथ गलत करते हैं और जितना बुरा आप सोच सकते हैं वो सारा जो है कर रहे हैं अगर पिता ऐसा है अगर पिता ऐसा है तो धर्म क्या कहता है धर्म कहता है भाई आपको आपके संस्कार सही जो है होने चाहिए अगर पिता गलत रास्ते में है और अगर आप पिता की बात मान रहे हैं तो आप अपने वंश का नाश ही जो है आप करेंगे इम्पॉर्टेंट पिता नहीं है इम्पॉर्टेंट आपका धर्म है आपकी कॉन्शियस है आपको पता है सही क्या है गलत क्या है आप सबको पता है सही क्या है गलत क्या है और इस चक्कर में अगर पिता गलत रास्ते पर निकल गया है तो उस समय आपको पिता का साथ नहीं देना पिता के अगेंस्ट खड़े होते हो तो जय जयकार आपकी जो है वो शायद होगी पिता कितना अहंकारी है कि कल को पुत्र ने बात नहीं मानी तो पिता तो अपने पुत्र को मारने पर जो है तुल चुका है जो उन्होंने कशबू होली ने, ने कहा हो ठीक है अगर ये हमारी बात नहीं मानता लेट हिम लेट अस किल हिम तो वो वाली बात है कि इस लेवल पे अगर पिता हो गया है जिसको परिवार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसको अपने पुत्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसको सिर्फ अहंकार है मेरी जय जयकार हो जिसमें इतना अहंकार है बस मैं ही सब कुछ हूँ और उस चक्कर में अपने अहंकार को इतना ज़्यादा जो है बढ़ा रहे इतना लोभी हो चुका है पैसे के चक्कर में वो सब कुछ तहज नहेज कर रहा है उस समय अगर आप भी उस इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो गलत जो है होगा और वही शायद कहूंगा रावण की स्टोरी देखें रावण गलत थे पर रावण के ब्रदर रावण के सन उन्होंने कहा ठीक है हम पिताजी आपके साथ रहेंगे तो पूरी श्रीलंका का सर्वनाश जो है हो गया पूरी लंका का सर्वनाश हो गया उस समय अगर रावण का कोई सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैटर वहीं पर खत्म जो है हो जाता अगर लगे पर्सन गलत है तो उस समय धर्म ये नहीं कहता जो शायद कुंभकरण ने कहा भाई का धर्म होता है कि भाई का साथ देना है वही स्टोरी यहाँ पर आई कि हिरे कश्यपु क्योंकि गलत थे और उसमें प्रहलाद महाराज उन्होंने कहा नहीं देखो पिताजी आप गलत है मैं आपका साथ तो नहीं दूंगा मैं आपका साथ जो है वो शायद नहीं दूंगा और जब प्रहलाद महाराज ने कहा मैं आपका साथ नहीं दूंगा भाई प्रहलाद महाराज कह रहे मैं तो सत्य पर ही चलूंगा मैं अहिंसा का ही अनुसरण करूंगा ऐसे तो मैं साथ नहीं दे सकता मैं तो धर्म का साथ जो शायद नारायण कह सकते मैं धर्म का साथ जो है दूंगा तो उस समय बात हुई थी कि भाई इन्हें कश्मीर ने कहा ठीक है अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो भी फिर आप मेरे बेटे हो ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए परिवार नहीं है मेरे लिए बच्चे नहीं है मेरे लिए मेरा स्वाभिमान स्वाभिमान कहूँ मेरे लिए मेरा अहंकार सबसे ऊपर है उसके लिए मैं सबकी बलि जो है मैं चढ़ा दूंगा और इसी की बात समझें तो उसके बाद वही था कि भाई अब मुझे जो है प्रहलाद को उसको जो है फिनिशी जो है करना है और फिर बहुत सारे एपिसोड आपने बताए कि बहुत कुछ हुआ कि उनको जो है पहाड़ से गिरा दिया गया उनको जो है सांपों के कमरे में जो है डाल दिया गया तो बहुत सारे एपिसोड हुए पर हम वो सारे एपिसोड सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे अगर यहाँ से देखें तो इतने सारे एपिसोड हुए तो वो सारे पर्व होने चाहिए थे सिर्फ ऐसा क्यों है कि होली का दहन ही हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं फिर तुम्हारे वो सारे उत्सव होने चाहिए थे जिस दिन पहाड़ से गिराए वो भी तो वो दिन होगा तो उस दिन हमें वो भी सेलिब्रेट करना चाहिए था या जिस दिन सांपों से बचे वो भी दिन सेलिब्रेट करना चाहिए था पर शायद वो कहते ना शायद ये वाला जो एपिसोड था वो शायद सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे जीवन का जो है रहता है तो भाई इस एपिसोड में ऐसा क्या हुआ वो शायद जो कहते हैं आपको अगर ये बात समझ आए तो जब आप परसों होलिका पूजन में जाएं ये माइंड में जो है आपको रखना जो है चाहिए तो भाई होलिका कौन थी हिने कशबू की सिस्टर जो है थी तो भी हिने कशबू की सिस्टर जो है वो होलिका थी और जब ये सारे एपिसोड हुए तो होलिका ने कहा ठीक है भाई अगर ऐसा ही है तो मैं कोशिश करती हूँ भाई प्रहलाद महाराज को जो है मैं जो है मृत्यु दंड जो है मैं देने को तैयार हूँ और होलिका ने कहा भी मुझे वरदान मिला है क्या वरदान मिला है कि मुझे आग कुछ भी नहीं कह सकती अगर मैं आग में बैठ भी जाऊँ आग मेरा कुछ भी जो है नहीं बिगाड़ेगी ठीक है तो उन्हें कहा भी मैं प्रहलाद महाराज को लेकर जो है मैं बैठ जाती हूँ प्रहलाद महाराज को लेकर बैठ जाऊंगी अगर इसमें कोई तंत्र मंत्र भी है इसने सांपों को वश में कर लिया होगा इसने सब कुछ वश में कर लिया होगा मुझे वश में जो है नहीं करेगा मैं इसको कस के पकड़ कर जो है बैठ जाऊंगी और आप जो है भैया आग जो है लगा देना और आग लगा देना और आपके सामने सामने जो है भाई प्रहलाद महाराज जो है ख़त्म जो है हो जाएंगे और यही कार्यक्रम हुआ जो शायद होली का पूजन बनाते हैं प्रॉपरली लकड़ियों का जो है पूरा हमने जो है वो बनाया और उस पर होली का जो है बैठी प्रहलाद महाराज को लेकर जो है वो बैठ गई थी प्रहलाद महाराज को लेकर जो है बैठ गई और उसके बाद जो है उसको जो है जलाया गया और हुआ क्या हुआ जो सोचा था उसके टोटली अगेंस्ट जो है हुआ प्रहलाद महाराज बिल्कुल आराम से बिल्कुल निश्चिंत बैठे मतलब बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं कोई एक्शन नहीं ले रहे मतलब ये कुछ चीजें जो है ना मतलब आप अगर समझ पाए कि वो बचने की कोशिश भी नहीं कर रहे मतलब ऐसे नहीं कि वो भागने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ चिल्ला भी नहीं रहे हैं ऐसा भी नहीं कि बचने की कोशिश करें वो अपना आराम से पीसफुल माइंड के साथ जो है ना वो बैठे हैं उनको पता है आग लग रही है उनको पता है आग लग रही है बहुत पीसफुली निश्चिंत जो है बैठे हैं और बाद में हुआ क्या होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज आराम से बाहर जो है वो शायद जो है आ गए जो शायद मैसेज आपको जो है शायद सोसाइटी या ये जो है आपको देना चाहते हैं दो तीन चीजें पहला होलिका क्यों जली होलिका क्यों जली वरदान मिला था वरदान मिला था उसके बावजूद होलिका जो है जल गई वरदान कौन देते हैं देवता जो है देते हैं और वरदान क्यों मिलता है कि आप इस वरदान को यूज करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द सोसाइटी वरदान नॉर्मली हमेशा मिलता है फ़ॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द सोसाइटी पर जब आप इस वरदान को आप गलत कामों में यूज़ करते हैं तो वरदान वापस जो है आ जाते वही होलिका ने पूछा मेरे को तो वरदान मिला था अब मैं कैसे जल गई तो वही शायद कहा कि देखो वरदान मिला था आपको अपने लिए कि आप जो है खुद की बचाव करें और कल को आप बाकी जनता का बचाव करें पर आप इस वरदान के चक्कर में तो आप किसी को हार्म कर रहे हैं तो ये वरदान आपसे वापस जो है ले लेते हैं और वही शायद होली का जब पूछते हैं तभी होलिका पूछते हैं वो शायद आपको भी जो है समझा रहे हैं आपको ये वरदान बहुत सारे मिले हुए हैं आपको वरदान बहुत सारे जो हैं इस समय मिले हुए हैं इफ यू आर लिविंग इन अ फैमिली वो एक वरदान है इस समय जनुअली आप इस क्लास में अगर आ रहे हैं इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता जितना पैसा आपके पास है ये भी शायद एक वरदान है कि आप अच्छे से जो है आप सी कर रहे हैं सी करने का सोच रहे हैं ये भी कहूँगा एक शायद वरदान है और जब तक आप ये अच्छे से कल का आप बिज़नेस करेंगे प्रैक्टिस में जाएंगे अगर आप अच्छा करोगे तो वरदान प्रॉस्पर होता है और अगर आप गलत करते हो तो ये नेम फेम पैसा सब छीनने में टाइम जो है नहीं लगता वरदान फटाफट जो है छिन लिया जाता है और वो यहाँ पर अगर सोसाइटी में चेक भी करें अच्छे अच्छे लोग थे बहुत पैसा कमा रहे थे जहाँ उन्होंने गलत किया वो बिज़नेस सेकंड्स में ख़त्म होता है कितनों के अच्छे नाम थे जहाँ उन्हें नाम का मिसयूज़ करना शुरू किया सेकंड्स में उनका नाम जो है ख़त्म होता है और वही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप सबको भी वरदान मिला हुआ है पर अगर आप उसको यूज़ अच्छे से करते हो तो तो ये वरदान आपके पास रहेगा ये फैमिली ये पैसा ये रुतबा सब आपके पास रहेगा पर अगर आप इसको मिसयूज़ करते हो शन नहीं लगना वो वरदान आपसे जो है छीन लिया जो है जाएगा दूसरा प्रहलाद महाराज की अगर बात करें तो शायद अगर आप समझ पाओ वो कहता ना वो शायद अगर आप समझ पाएं जिसके लिए मैंने आपको बार बार कहा वो तीन सवाल के आंसर्स आप अगर ढूंढ लें उसके जवाब आपको कहीं जगह जो है मिल जाएंगे तीन सवाल जो मैं कहूँगा ना आप पूरी ज़िंदगी में इन तीन सवालों को अगर आप इसके आंसर्स ढूंढ लें पहला सवाल क्या है हु आर यू आप कौन हैं क्योंकि आपको एक्चुअल में नहीं पता जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन आप प्रहलाद महाराज की तरह आराम से निश्चिंत बैठ जाएंगे उस दिन आप मीरा की तरह निश्चिंत बैठ जाएंगे, मीरा को भी जहर का प्याला मिला मीराबाई भाई भागी नहीं उन्होंने जहर का पाला खुशी खुशी पी लिया उनको पता एम आई मुझे पता मैं कौन हूँ वही वाली बात है जब तक आपको नहीं पता तो आपकी लाइफ एक स्ट्रगलिंग लाइफ जो है रहती है। मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ इससे बचाओ उससे बचाओ और जिस दिन आपको पता चल जाए आप कौन हैं फिर तो लाइफ टोटली चेंज जो है हो जाते वही सेम एपिसोड मेरा भाई के साथ भी हुआ उनको भी जो है टोकरी में फूलों के बीच में एक सांप जो है दे दिया बिल्कुल जहरीला सांप जैसे ही मेरा भाई उस सांप को पकड़ेंगी सांप डस लेगा पर मेरा भाई को और ये शायद पहले से पता भी था मेरे भाई को सारी बातें पता है, उनको है मैं कौन हूँ ये सांप कुछ नहीं कर सकता ये आग कुछ नहीं कर सकती ये जहर कुछ नहीं कर सकता और जब तक आपको नहीं पता तब तक लाइफ एक स्ट्रगलिंग जो है रहती है जो पहला सवाल है ना इसको ढूंढ लो आर यू सेकेंड सवाल कौन सा है हु इज गॉड आखिर भगवान कौन है भगवान क्या करते हैं क्या कर सकते हैं नहीं क्या करते हैं भगवान एक्चुअल में क्या करते हैं जिस दिन आपको पता चल गया ना तो शायद जो मैंने कहा जो प्रहलाद महाराज की स्टोरी में है फिर आप बैठे हो सोसाइटी क्या कहती है आग में बैठोगे जल जाओगे जहर पियोगे पॉइजन है डेथ जो है हो जाएगी सांप डसेगा सब कुछ हो जाएगा पर जिस दिन आपको एक्चुअल पता चलेगा भगवान कौन है और भगवान क्या करते हैं आपके लिए आज क्या कर सकते हैं वो तो आप सोच नहीं सकते पर आज भी आपके लिए क्या क्या करते हैं जिस दिन ये पता चल गया आपकी लाइफ किस लेवल पर जो है जा सकती है आप सीधे कह रहा हूँ आप मतलब लाइफ का एक अलग ही लेवल जो है वो शायद होता है फिर आप आराम से बैठे फिर आप बैठे एक्साइटमेंट है फिर तो फिर एक्साइटमेंट है कि चलो जलाते हैं एक तरफ एक इंसान है मुझे जला रहा एक तरफ हरी बैठा है एक तरफ हरी बैठा है देखते हैं आज क्या होगा फिर तो एक अलग ही एडवेंचरस लाइफ एक्चुअल लाइफ वहाँ से शुरू जो है होती है कि जहर का प्याला मीरा भाई के पास आया और मीरा भाई क्या कह रही है हंस रही है जहर का प्याला पी के मीरा हंसी रहे वो हंस रही है कि बताओ फूल्स ये मुझे जहर पिला रहे हैं उनको नहीं पता भगवान कौन है वो मैं कहना जिसना को पता चलेगा भगवान कौन है वो जहर जहर रहेगा ही नहीं वो साफ साफ रहेगा नहीं वो मैंने कहा ना ये स्टोरी जो है ना और ऐसी कई चीज़ें कई एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शायद हुए हैं तो मैंने कहा सेकंड जो सवाल है हु इज़ गॉड भगवान कौन है भगवान क्या करते हैं अगर ये आपको पता चल जाए और फिर तीसरा सवाल क्या है वाई यू आर हेयर आखिर आप यहाँ पर क्यों हैं ये शायद कहूँगा तीन सवाल अगर आप ढूंढ लो इसके बाद चौथा सवाल आपकी ज़िंदगी में बचता ही नहीं है इसके बाद चौथा सवाल आपकी ज़िंदगी में बच ही जो है वो शायद नहीं सकता सिर्फ़ ये तीन सवाल हैं जो मैं भी शायद ढूंढ रहा हूँ और मैं भी ढूँढ रहा हूँ और जितने सवाल के जितने आंसर्स मिलते हैं मेरे चेहरे पर स्माइल थोड़ी सी और जो है बढ़ जाती हु एम आई हु इज़ गॉड एंड वाई आई एम हेयर और वही बात है ये आंसर ढूंढने में अलग ही बहुत ही एडवेंचरस जो है और बहुत रिलैक्सिंग भी है बहुत सूदिंग है बाकी सारे सवालों के आंसर मैथ्स का क्वेश्चन आप करते हैं आंसर ढूंढने में परेशानी होती है पर ये आंसर ढूंढने में एक एक्साइटमेंट जो है वो रहती है और जैसे जैसे हिंट्स मिलते हैं लाइफ बहुत अच्छी जो है हो जाती है और जिस दिन आपको पता चल जाएगा आप कौन हैं तो उस दिन ये जितनी चाहे वो आग है चाहे आपके जितने भी जिंदगी में ट्रबल्स हैं जो आपको जला रही हैं क्योंकि हम सबके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आग लगी हुई है कोई ना कोई ट्रबल सुबह शाम हमारी ज़िंदगी में जो है चलता है फैमिली इश्यूज हो सकते हैं फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको डेली जला रहे हैं और आप उसमें जल रहे हो आप उससे भागना जो है चाह रहे हो आप अंदर से चीख मार रहे हो मुझे बचाओ कोई मुझे बचाओ कुछ बोल पाते कुछ नहीं बोल पाते पर जिस दिन आपको मैंने कहा ना सिर्फ एक ही आंसर ढूंढ लो आप कौन है आपकी चीखें खत्म हो जाएंगी फिर आप तसल्ली से उसी आप जो है आग में बैठ जाओगे आग आपका कुछ भी जो है नहीं जो है बिगाड़ेगी वो शायद ये मैसेज जो है वो शायद भगवान ने जो है दिया है आपको जो वरदान मिले हैं उसका सही तरीके से अपने कर्मों पर विश्वास जो है रखना कर्म अगर अच्छे हैं जो मैं कह सकता हूँ कर्म आपके कर्म आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है आपके कर्म आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है अगर आपके कर्म हैं कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता क्यों जिस दिन आपको पता चला ना हु आर यू और आपको कैसे क्या करना है वही मीरा बाई को अपने कर्म पता थे प्रहलाद महाराज को अपने कर्म पता है और जब आपको अपने कर्म पता है आपके हर कर्म नोट डाउन जो है हो रहे हैं और वही बात है आपको अपने कर्मों का मिलेगा आपके कर्म आपके सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है फिर कोई कुछ भी कर ले कोई कुछ भी कर ले आपके कर्म जो है ना वो आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है और भगवान बाकी आपको बड़ा प्रोटेक्ट जो है करते हैं और अगर आप गलत कर रहे हैं तो भाई आपके कर्मों से ही आप जो है बहुत बुरी हालत जो है वो शायद जो है हो जाएगी ठीक है तो ये शायद एक <coughs> मैसेज जो है होली का जो होली पूजन जब करते हैं तो उस दिन हम इसी बातों को जो है स्मरण जो है करते हैं और तभी शायद कहते हैं ना आपको अगर वाकई अगर होली बनानी है तो जब कल जाएँ परसों आप जब जाएँ तो वाकई जो ना इस सब बातों को स्मरण करना और पूजना नारायण को या जिस भी भगवान को मानते भगवान तो एक ही है आप नारायण कहीं शिवा कहीं जीसस कहीं अल्लाह कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता भगवान एक ही हमने सुना है बस नामकरण अलग अलग जो है मालूम हो गए तो उस दिन जो है आप भगवान को जो है फिर से कहना भगवान ठीक है आज मैंने जो पुराना किया जो मेरे पुराने कर्म है चलो मेरे को उसमें जो है मैं ऑलरेडी जल चुका हूँ अब मुझे प्रहलाद महाराज जो है मुझे बनना है आज से मैं अपना फिर से नेक काम जो है मैं शुरू जो है करता हूँ और वाकई जो है ना आप कर कर देखें तो मैं कहूँगा ये होली वाकई जो है आपकी बहुत अच्छी जो है बन जाएगी और जिस दिन आप होली पूजन अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट डे आपके जीवन में बहुत सारे रंग जो है आ जाएंगे फिर नेक्स्ट डे आपके जीवन में बहुत सारे आपकी लाइफ कलरफुल जो है हो जाएगी जो ये ब्लैक एंड वाइट चल रही है वो लाइफ आपकी वाकई कलरफुल जो है हो जाएगी तब मैं कहूँगा सेलिब्रेशन होता है तब अगर आप प्रहलाद महाराज तरह अगर आप बनते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी लाइफ क्या होती है फुल ऑफ म्यूजिक एंड डांस तो आपकी लाइफ म्यूजिक एंड डांस है फिर आपकी लाइफ में और कुछ नहीं है यू आर जस्ट डांसिंग यू आर जस्ट डांसिंग यू आर जस्ट डांसिंग और कुछ भी नहीं आपकी लाइफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट जो है हो जाती है पर उससे पहले प्रहलाद महाराज बनना पड़ेगा फिर हरी के साथ नाचने का मौका जो है मिल जाएगा होली किसके बाद होती है भगवान कृष्ण के साथ फिर आप जो है पहले आपको पहलाद महाराज जैसा बनना पड़ेगा फिर हरि के साथ नाचने का मौका जो है मिलेगा और मैं कह सकता हूँ हरि के साथ नाचने का मौका जो है ना वो शायद डिवाइन है वो एक्चुअल में डिवाइन है वो एक्चुअल में डिवाइन है और ये मैं कह सकता हूँ मौका मिलता है इट्स योर चॉइस इंसानों के साथ नाचना है या हरि के साथ नाचना है पर वही बात है हरि के साथ नाचने के लिए पहले भगवान को समझना तो पड़ेगा हु इज गॉड भगवान क्या करते हैं क्या भगवान आपके साथ होली मनाते हैं अब वो मैंने कहा ना उसके लिए प्रोसेस लंबा है अब ये आपको देखना है आप प्रहलाद महाराज बनो तो सही हरी तो आपके पीछे पीछे आएंगे आप प्रहलाद महाराज बनो तो सही हरी वाकई आपके पीछे जो है आ जाएंगे वाकई हरी आपके साथ नाचेंगे जरूर आपके जीवन में इतने रंग भर देंगे आप सोच भी जो है उसे नहीं सकते ठीक है जी तो मैं दुआ करता हूँ कि इस बार की आपकी होली बहुत अच्छी जो है बने आपके अंदर प्रहलाद महाराज जो हैं उनका जन्म हो आपके अंदर जो बुराइयाँ उसका दहन हो और उसके बाद जो है आप अपने रंगों के साथ होली बहुत अच्छे से जो है आप बनाएं